हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब आपकी ही आराधना है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, जय हो बाबा नीम करौली महाराज की, जय हो गुरुदेव नारायण दत्त श्रीमाली जी की। एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आप जानना चाहते हैं कि हनुमान उपासना के माध्यम से कैसे प्राप्त करें लौकिक और परलौकिक सिद्धियां? जब मैंने पहली बार हनुमान उपासना के गूढ़ रहस्यों के बारे में सुना तो ये सब एक रहस्यमय यात्रा की तरह लगा। एक साधक के रूप में मैं हमेशा से लौकिक और परलौकिक सिद्धियों की खोज में था, लेकिन रास्ते में मुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हनुमान जी की साधना ने न केवल मुझे इन सिद्धियों का अनुभव कराया बल्कि उन्होंने मेरी आध्यात्मिक यात्रा को भी समृद्ध किया। इस वीडियो में मैं आपको हनुमान उपासना के उन रहस्यों से रूबरू कराऊंगा जो आपकी साधना को एक नई दिशा दे सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें छिपे हुए रहस्य आपको चौंका सकते हैं और आपकी साधना में एक नया प्रकाश डाल सकते हैं। हनुमान जी का नाम लेते ही मन में वीरता, भक्ति और अनंत शक्ति का विचार आता है। वे केवल एक देवता नहीं है बल्कि वे हमारी भक्ति, साहस और संकल्प के प्रतीक भी हैं। वे राम के अनन्य भक्त हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया। हनुमान जी की महिमा अनंत है और उनकी उपासना से साधक न केवल लौकिक सिद्धियों को प्राप्त करता है बल्कि उसे एक ऐसी शक्ति मिलती है जो उसे हर संकट से उबार सकती है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर दबा दें जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। शास्त्रों में हनुमान जी के दो प्रमुख रूपों का वर्णन मिलता है, वीर हनुमान और दास हनुमान। वीर हनुमान वह रूप है जिसमें वे विघ्नों का नाश करते हैं और साधकों को संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। दूसरी ओर दास हनुमान वह रूप है जिसमें वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत कोमल और कृपालु हैं। इस रूप में उनकी उपासना करने से भक्त को सुख, शांति और आत्मिक संतोष की प्राप्ति होती है। अष्ट सिद्धियां वह दिव्य शक्तियां हैं जिन्हें प्राप्त करने पर साधक को अद्वितीय शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये शक्तियां साधक को उसकी साधना के मार्ग में अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। हनुमान जी के आशीर्वाद से साधक इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकता है। लौकिक सिद्धियों का अर्थ है वे शक्तियां जो हमें भौतिक संसार में सफलता दिलाती हैं। इनमें अनायास ही धन समृद्धि की प्राप्ति, शत्रुओं का नाश और समाज में सम्मान जैसे लाभ शामिल हैं। हनुमान जी की साधना के माध्यम से इन लौकिक सिद्धियों को प्राप्त करना संभव है। परलौकिक सिद्धियां वे दिव्य शक्तियां हैं जो साधक को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती हैं। ये शक्तियां साधक को उसकी आत्मा की गहराई में उतरने और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करती हैं। हनुमान जी के आशीर्वाद से साधक इन परलौकिक सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है और आत्मा की शुद्धि की ओर बढ़ सकता है। शास्त्रों में अष्ट सिद्धियों का वर्णन मिलता है जो साधक को अद्वितीय शक्तियों का अनुभव कराती हैं। ये आठ सिद्धियां हैं: अणिमा, किसी भी वस्तु को अति सूक्ष्म रूप में देखना या स्वयं को सूक्ष्म बनाना। महिमा, किसी वस्तु या अपने शरीर को विशाल रूप में परिवर्तित करना। गरिमा, अपने शरीर को अत्यधिक भारी बना लेना। लघिमा, अपने शरीर को अति हल्का बना लेना। प्राप्ति, किसी भी वस्तु को बिना स्पर्श किए प्राप्त कर लेना। प्राकाम्य, इच्छा अनुसार हर वस्तु प्राप्त करने की शक्ति। ईशित्व, किसी भी वस्तु या जीव पर पूर्ण नियंत्रण। वशित्व, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने वश में करने की शक्ति। हनुमान साधना का प्रभाव अति व्यापक होता है। साधक को न केवल शारीरिक और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है बल्कि उसे आत्मिक संतोष और आंतरिक शांति भी मिलती है। हनुमान साधना के विभिन्न रूप होते हैं जिनमें हनुमान चालीसा का पाठ, मंत्र जाप और हनुमान जी के विभिन्न रूपों की पूजा शामिल है। साधना करते समय साधक को अपने मन को शांत और एकाग्र रखना अत्यंत आवश्यक होता है। शास्त्रों में वर्णित विभिन्न विधियों के माध्यम से सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है। इनमें विशेष मंत्रों का जाप, हवन और अन्य अनुष्ठानों का समावेश होता है। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान में शुद्धता का विशेष महत्व है। साधक को अपने मन, शरीर और स्थान की शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए और अनुष्ठान को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ करना चाहिए। अब साधना विधि की बात करते हैं। सर्वप्रथम साधक तारक मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित और पूर्ण चैतन्य सिद्धा प्राप्ति यंत्र
अष्ट सिद्धि मूंगा माला और हनुमत बाहु प्राप्त कर लें। ये साधना 3 दिवसीय है और किसी भी मंगलवार या शनिवार से प्रारंभ कर प्रातः 6 बजे से 9 बजे के मध्य पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर संपन्न करें। इसके पश्चात साधक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर ताम्र अथवा स्टील के पात्र में रंगे हुए लाल चावलों की ढेरी पर सिद्धा प्राप्ति यंत्र स्थापित कर ले। पंचामृत से यंत्र स्नान एवं धूप दीप पुष्प अक्षत आदि समर्पित करें। यंत्र के चारों कोनों में 4 बिंदियां लगाकर यंत्र पूजन करें। साधक स्वयं लाल अथवा संतरी रंग की धोती पहने और ऊपर गुरुनामी चादर ओढ़कर पीले आसन पर बैठ जाए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भूमि शयन करें। शुद्ध एवं सात्विक आहार एक समय ग्रहण करें। साधना प्रारंभ करने से पूर्व गुरु पूजन एवं 5 माला गुरु मंत्र का जप और साधना के पश्चात 2 माला गुरु मंत्र का जप संपन्न कर साधना में सफलता के लिए सद्गुरु देव से प्रार्थना करें। अष्ट सिद्धि मूंगा माला से मंत्र जप करते समय हनुमत बाहु को अपने बाएं हाथ में दबाए रखें, जिससे किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा साधना काल में साधक पर प्रभावी न हो सके। इस साधना में साधक को मूल मंत्र का प्रतिदिन 11 माला मंत्र जप करना चाहिए और प्रतिदिन साधना के पश्चात हनुमान जी की आरती और गुरु आरती संपन्न करनी है। मंत्र ओम हूं हसौ हनुमते हूं। मंत्र जप समाप्ति के पश्चात बेसन के लड्डू का भोग श्री हनुमान जी को लगाएं और प्रसाद को वितरित कर दें। इस साधना काल में 3 दिन तक अखंड तेल का दीपक लगातार जलता रहे। साधना समाप्ति के पश्चात यंत्र को अपने पूजन स्थान में स्थापित कर दें एवं 21 दिन तक उक्त मंत्र का जप 1 माला प्रतिदिन करें तथा 21 दिन के पश्चात यंत्र व माला किसी नदी अथवा तालाब में प्रवाहित कर दें। यदि इसी साधना को साधक 5.25 लाख मंत्र जप अनुष्ठान के रूप में संपन्न करे तो निश्चय ही सर्व सिद्धि प्रदायक महावीर हनुमान के साक्षात दर्शन प्राप्त होते हैं। हनुमान साधना के अनुभव को समझना और उसका सही उपयोग करना साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सिद्धियों की प्राप्ति के बाद साधक को उनका सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। इन दिव्य शक्तियों का उपयोग दूसरों की भलाई और संसार की भलाई के लिए करना चाहिए। इससे साधक को आत्मिक संतोष और ब्रह्मांड के साथ एकात्मता की अनुभूति होती है। हनुमान साधना और अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति का मार्ग अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है, लेकिन इसे सही तरीके से समझने और पालन करने से साधक को अपार शक्ति और दिव्यता प्राप्त हो सकती है। हनुमान जी की कृपा से साधक को जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है और वो लौकिक और परलौकिक दोनों प्रकार की सफलता हासिल कर सकता है। अंत में मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैंने बिहेवियर साइंस साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी में अपनी शिक्षा पूरी की है और साथ ही पिछले 15 सालों से गुरु मार्गदर्शन में स्पिरिचुअलिटी सीख रहा हूँ। मैंने इच्छाओं को प्रकट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी के तरीकों का अध्ययन करने में 1 दशक से अधिक समय बिताया है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।